स्मैशर का सुस्मिता प्रधान। देखो आज हम स्टैंडर्ड 1 के हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हाँ ऑलरेडी तो हम पढ़ चुके हैं शब्द वाक्य, देन उसके बाद आएगा आज पढ़ेंगे हम संज्ञा के बारे में। हाँ चैप्टर 4 में है संज्ञा। तो संज्ञा किसको कहते हैं कि जितने सारे नाम वाले को हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं कि नहीं, उसको और भी क्या कहते हैं कि नाउन कहते हैं। हाँ तो देखते हैं, तो चैप्टर 4 संज्ञा, संज्ञा और उसको भी क्या कहते हैं कि नाम वाले शब्द, जितने सारे नेमिंग वर्ड्स है कि नहीं, नेमिंग वर्ड के बारे में तो आप जानते होंगे है कि नहीं। तो जितने सारे नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञा कह सकते हैं है कि नहीं। तो देखो वो कोई मतलब जिसके ये हमारे चारों तरफ हम बहुत सारे थिंग्स दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों दिख रहे हैं, बहुत सारे प्लेसेस दिख रहे हैं है कि नहीं। सबके क्या होते हैं कि सबके अलग अलग सा नाम होती है, होती है कि नहीं। तो नाम से क्या है कि सबको हम पहचान पाएंगे नहीं। जैसे कि हम क्या है कि एक एक नाम बताते हैं, जैसे ये वाला स्कूल है, स्कूल के नाम से मतलब ये वाला जगह के नाम होगा है कि नहीं। देन ये एक पर्सन के, पर्सन कैसे समझेंगे, क्योंकि उसके नाम को लेना पड़ेगा है कि नहीं। तो नाम से हम उस लोगों को या उस प्लेस को या उस थिंग्स को हम पहचान पाएंगे, इजी में पहचान पाएंगे है कि नहीं, आसान हो जाएगा। सबके नाम इसीलिए है कि नहीं। तो हम ये सारे के सारे नाम को क्या कहेंगे कि संज्ञा कहेंगे। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल मैं देती हूँ। हाँ जैसे यहाँ पे लिखा गया है भारत की राजधानी, राजधानी नई दिल्ली है। तो देखो यहाँ पे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। देखो भारत क्या है कि भारत, उसमें से पता चला है कि जरूरी एक नाम है, फिर ये वाला एक प्लेसेस के नाम है कि नहीं, एक कंट्री के नाम है। तो ये वाला भी देश के नाम होगा, तो फिर भी ये तो नाम है ना है कि नहीं, देश के नाम है मतलब ये भी तो नाम होगा ना। देन ये वाला, ये भी एक प्लेस का नाम है, न्यू दिल्ली नहीं। तो ये भी एक किस में जाएगा कि ये भी संज्ञा में जाएगा है कि नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे नेम ऑफ प्लेसेस में जाएगा, ये सुन लो। तो ये सारे के सारे को हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञा कह सकते हैं। देन और एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ताजमहल। हाँ ताजमहल आगरा में, देखो यहाँ पे भी नेमिंग वर्ड है कि नहीं, देखो संज्ञा है कि नहीं। देखो इसमें ये वाला ताजमहल होगा, देन आगरा भी होगा, ये दोनों होगा है कि नहीं, ये होगा ये भी होगा, इस ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं, क्योंकि ये शब्द भी जा रहा है प्लेस के नाम हो रहा है ना, इसीलिए उसको भी हम कह सकते हैं। देन और एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये वाला गंगा इस देश की सबसे पवित्र नदी है। देखो इधर क्या होगा कि गंगा एक नेम है कि नहीं, क्योंकि ये वाला भी एक नेम है, मतलब ये वाला नदी के नाम है कि नहीं। नदी के नाम होगा तो भी, फिर भी ये भी तो एक क्या होगा कि ये नदी के नाम है, इसीलिए ये भी होगा, ये भी उसको भी हम क्या कह सकते हैं कि उसको भी हम संज्ञा कह सकते हैं है कि नहीं, क्योंकि रिवर के नेम हो सकती है। देन प्लेस की नेम जैसे हुआ, प्लेस की नेम ये वाला जैसे हुआ था, ये उसको हम कह रहे थे संज्ञा, तो ये भी जाएगा हमारे संज्ञा में। तो इसीलिए हम दिखेंगे कि संज्ञा किसको कहेंगे, हाँ उनके डेफिनेशन थोड़ा सा बोलेंगे। देन सभी का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं कि संज्ञा कहते हैं, सबके है कि नहीं, जितने सारे थिंग्स दिख रहे हैं सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, वही वाला नाम क्या कहलाएगा, वो संज्ञा कहलाएगा है कि नहीं, जितने सारे भी नाम दिख रहे हो यहाँ पे। देन देखो यहाँ पे दिया गया तुम्हारा नाम क्या है, मैं पूछूंगी आपके नाम क्या है, देन आप बोलोगे एक नाम बोलोगे कि नहीं। तो आपके नाम जो भी होगा वो जितने सारे, जैसे कि राम हरी श्याम देन सीता मीता, ये सारे के सारे क्योंकि वो वाला एक पर्सन के नेम है कि नहीं, लोग के नेम है, बच्चे के नेम है, ये तो इसीलिए वो भी होगा क्या है कि नेमिंग वर्ड होगा या संज्ञा होगा है कि नहीं। जितने सारे नेम, पर्सन के नेम भी होगा, जैसे कि प्लेस के नेम हो रहा था, जगह के नेम हो रहा था, संज्ञा कह रहे थे, ऐसे भी हम
अपने नाम सारे के सारे सभी के नाम भी जाएगा इसमें संज्ञा में जाएगा। जैसे ये ऐसे लिखेंगे, मेरा नाम व्यास है, ये लिख सकते हो राम, इधर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये वाला जो राम, ये वाला भी हम उसको क्या कहेंगे कि संज्ञा होगा ये, है कि नहीं, क्योंकि ये वाला एक लड़का के नाम होगा ना, इसीलिए ये भी हम उसको क्या कह सकते हैं कि इसको भी हम संज्ञा कह सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अपने चारों तरफ जितने सारे थिंग्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि क्या है कि पेन, पेंसिल, कॉपी, ये सारे के सारे भी एक एक नाम है कि नहीं। तो ये वाला थिंग्स के नाम, चीजों के नाम, चीजों के नाम भी होने से भी वो भी संज्ञा होगा। हो गया, पता चल गया। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। ये जैसे कि दिया गया, एक रूम दिखा गया है, इसमें बहुत सारे थिंग्स है, बहुत सारे, जैसे कि ये वाला पंखा है, देन ये वाला टीवी है, ये वाला कंप्यूटर है, इसमें किताब है, ये वाला बहुत सारे पलंग है कि नहीं, बहुत सारे थिंग्स इधर है। तो हम ये सारे के सारे थिंग्स को क्या कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जितने सारे चीजें हम दिखे उसको हम भी, वो भी सारे के सारे संज्ञा में जाएगा। हाँ, तो दिखते हैं और एक एग्जांपल दिखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आदमियों, आदमियों और लड़कों, लड़कों के नाम। जैसे कि क्या होगा कि रमेश, हाँ, देन मोहन, ये सारे के सारे किसके नाम है कि आदमियों के नाम, है कि नहीं। ये सारे के सारे को भी हम क्या कह सकते हैं कि उसको भी हम संज्ञा कह सकते हैं, है कि नहीं। जितने सारे लड़कियों के नाम, ओनली क्या लड़का के नाम तो नहीं होगा, लड़कियों के नाम नहीं होगा, लड़कियों के नाम भी होगा। हाँ, तो देखो जैसे कि औरतों और लड़कियों, उनके नाम पर भी क्या होगा कि उनके नाम वाला भी सारे के सारे को हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि नीलम, देन जया, ये सारे के सारे क्या होगा कि संज्ञा होगा, है कि नहीं। जैसे शहरों के नाम जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये होगा शहर को नाम, है कि नहीं, उसको भी हम संज्ञा कहेंगे। जितने सारे वस्तुओं, देखो वस्तुओं का नाम मतलब जितने सारे चीजों के नाम, है कि नहीं, चीजों के नाम को भी हम क्या कह सकते हैं कि उसको भी हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि मेज, देन पुस्तक, है कि नहीं। ये सारे के सारे भी क्या होगा कि ये सारे के सारे भी संज्ञा होगा। ये सुनो, देन जितने सारे पशुओं, जितने सारे जानवर दिख रहे हो, वो सबके नाम भी क्या होगा कि एक एक किसमें जाएगा, संज्ञा में जाएगा। जैसे कि पशुओं के नाम, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सारे के सारे होगा कि नहीं होगा। देन पक्षियों के नाम, पक्षियों जैसे सारे के होगे कि मोर होगा, कोयल होगा, देन चिड़िया, ये सारे के सारे भी क्या कह सकते हैं हम उसको, वो भी एक एक नाम होगा ना, पक्षियों के नाम एक एक भी नाम होगा ना, तो इसीलिए वो भी हो गया संज्ञा हो जाएगा, है कि नहीं। जितने सारे पेड़ पौधे, है कि नहीं, जैसे कि नीम ट्री, पीपल ट्री, ये सारे के सारे वो भी एक ट्री का नाम है ना, तो ये सारे के सारे को भी हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञा कह सकते हैं, है कि नहीं। देन फूलों के नाम, जैसे कि फूलों के नाम, जितने सारे फूलों के नाम भी चाहेगा किसमें, ये वाला भी संज्ञा हम उसको कह सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि आम, देन केला, ये सारे के सारे होगा, अमरूद, ने सेब, ये सारे के सारे भी हम क्या कह सकते हैं उसको कि संज्ञा कह सकते हैं, है कि नहीं। उनका भी एक एक नाम होते हैं सबके, तो इसीलिए। देन देशों के नाम, जैसे कि भारत, चीन, भूटान, जापान, ये सारे के सारे जितने सारे देशों के नाम भी वो भी संज्ञा में जाएगा। देशों के नाम हो गया, आदमियों के नाम हो गया, जितने सारे औरतों, लड़कियों, देन शहरों के नाम हो गया, वस्तुओं के नाम हो गया, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, सबके जो नाम को हम क्या कह सकते हैं कि सबको हम संज्ञा कह सकते हैं, है कि नहीं। जितने सारे नदियां, मैं तो बोली थी इधर एक एग्जांपल जैसे दी थी, गंगा क्या है कि देश की सबसे पवित्र नदी है, गंगा एक नदी के नाम है, इसीलिए नदी के नाम हुआ, इसीलिए वो भी संज्ञा हम कह सकते हैं, है कि नहीं। गंगा भी एक शब्द होगा, बोला संज्ञा शब्द होगा, है कि नहीं। देन इमारतों, जितने सारे क्या है कि इमारतों पर भी वो भी होगा, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सारे के सारे
है कि नहीं। देन पीछे में से कुछ संज्ञा को लिखकर हमें ये वाला क्वेश्चन आंसर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क नंबर में। हाँ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल तो हाँ दिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिखते हैं। इधर जैसे दिया गया है क नंबर में, उधर कुछ पिक्चर्स दिया गया है। हाँ जैसे कि वन नंबर में ऐसे डैस उड़ रही है, ठीक है नहीं? क्या उड़ रही है, मतलब वो जरूर होगा एक उसमें, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, वो कौन है कि ये वाला भी एक संज्ञा है ना, ये वाला तितली, मतलब इधर ऐसे लिख सकते हैं हम, तितली उड़ रही है कि नहीं। ये तितली के क्या हुआ कि संज्ञा हुआ कि नहीं हुआ। देन इधर से दिए गए नंबर टू में आसमान में डैस निकल रहा है, ये वाला सूरज निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं, ये वाला होगा। देन यह मेरा डैश है, यह मेरा घर है कि नहीं। देन नेक्स्ट फोन नंबर में क्या किया है, ये वाला पिक्चर दिया गया, डैश नाच रहा है, मोर नाच रहा है। देन ये वाला बगीचे में डैश खिल रहे हैं, ये वाला फूल खिल रहे हैं कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन आंसर भी आप देख के कर लेना, आपको तो नेमिंग वर्ड पता होगा, जितने सारे थिंग्स दिखते हो वो सारे के सारे नेमिंग वर्ड में जाएगा है कि नहीं, संज्ञा में जाएगा।